नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज नया टॉपिक देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें परिभाषा लिखने में मत पड़ जाइएगा, एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, टिक करके निकल जाना है, ठीक है? तो टू द पॉइंट बात करेंगे और देखिए क्या क्या होता है इसमें। चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है? पहला देखते हैं नेचुरल नंबर, एनएन। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, बोल रहा हूं नेचुरल नंबर, और आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे नेचुरल नंबर स्पेलिंग सही, ठीक है? चलिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या होती है? कोई परिभाषा नहीं, बस आपको देखना है प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक है? ऐसी संख्याओं का समुच्चय या ग्रुप कह लो, कुछ भी कह लो, एक से स्टार्ट होती हैं, दो तीन चार, और हमारी कहां तक चली जाती हैं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक अगर चली जाएं, तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय क्या होता है हमारे पास? ग्रुप क्या होता है? नेचुरल नंबर। इतनी बात समझ में आई? बस ऐसे ही इतना ही लिखना है आपको नोट्स में, ज्यादा बहुत बड़ी लंबी ग्रंथ नहीं बना के रख देनी है, ठीक है? छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है उनका, ठीक है? चलो, दूसरा क्या है हमारे पास? होल नंबर। होल नंबर यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? एक बार देख लो, बस सिर्फ एक बार देख लेना, एक बार का काम है। छोटी छोटी डिफिनीशन है, वो भी नहीं लिखनी, बस इतना ही लिखना है, जितना मैंने बोर्ड में लिख दिया उतना ही नोट्स में क्या करना, लिख लेना होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याओं का समुच्चय होता है जो जीरो से स्टार्ट होती है, बस इसमें यही अंतर होता है, जीरो, वन, टू, और ये कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं, ठीक है? क्लियरिटी सबको सब सही दिख रहा है, ठीक है? चलो, सबको सही दिख रहा होगा। चलो, तीसरा हमारे पास क्या होती है? तीसरा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर बचपन से पढ़ते आए हो, जो दो से क्या हो, दो से विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं? दो से विभाजित हो, जो दो से विभाजित हो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? इवन नंबर, ठीक है? चलो आराम से देख लो कौन कौन से होते हैं इवन नंबर। चार छह लिख भी लो, दो चार छ आठ, और ये ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है? जो जो दो से विभाजित हो जाएं, उनकी क्या करते जाओ, लिस्ट बनाते जाओ, और क्या करो, ऐसे लिखते जाओ, इवन नंबर हो जाएंगे। चौथा हमारे पास क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। अब इसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब भाई इवन नंबर क्या है? जो दो से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो विषम संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? जो दो से विभाजित ना हो। और दो से कौन कौन सी विभाजित नहीं हो जाएंगी? चार चार एक दो संख्याएं लिख लो, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हो कई भी संख्याएं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? बस इतना आपको क्या करना है, नोट्स में भी लिखते जाना, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी कि ऐसी संख्याएं जो ऐसे ऐसे चलती जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलो, पांचवा लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या। पांचवा पूर्णांक संख्या, क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर। कहां से कहां तक होती हैं? बस इतना जान लो, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं, माइनस वन, जीरो, और वन, टू, और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये इनका क्या है? इंटीजर है। हमारे पास क्या होती है? पूर्णांक संख्या है। चाहे हम लिख दें माइनस वन, वो भी हमारा पूर्णांक है। चाहे हम लिख दें माइनस 45, वो भी हमारा पूर्णांक संख्या है। और चाहे हम लिख दें क्या 45, वो भी हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई हो, बस इतना ही पूछा जाता है और आपको इतना ही जानना है इसमें, ठीक है ना? एग्जाम में टू द पॉइंट। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसको मिटा दिया जाए, ठीक है? चलो, अब ये तो हो गई सरल सरल, अब कुछ अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो, इसको रफ कर देता हूं। बढ़िया से हिंदी का भी लेक्चर अपलोड होने वाला है, बढ़िया से पढ़ लेना उपसर्ग प्रत्यय, आज आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़ रहे ना उपसर्ग प्रत्यय। चलो बढ़िया, नवीन सर की क्लास हो गई होगी अपलोड तुम लोगों की। चलो, अब आओ देख लेते हैं अगला हमारे पास क्या है।
अभाज्य संख्या, ये इस पे ध्यान देना, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य संख्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश वालों बता दो, इंग्लिश वालों बता दो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए है ना मूवी ऑप्टिमस प्राइम, ट्रांसफार्मर, वही वाला प्राइम, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जो एक के अतिरिक्त उसके कोई गुणनखंड ना हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो, ठीक है। यानी कि उनका सिर्फ एक गुणनखंड होता है। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो गई, तीन, ठीक है, पांच, ठीक है, सात, ये हमारी क्या है, कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। देखो इनका गुणनखंड क्या होगा, एक, बस एक ही है, और ये खुद है, बस यही तो है इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड कितना होगा, इसका भी गुणनखंड एक होगा, एक पंचे पांच। इसका भी गुणनखंड कितना होगा, एक गुणे सात, एक सत्ते सात। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका केवल गुणनखंड कितना होता है, एक होता है, गुणनखंड एक होता है, वो क्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। हमारा अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें और देख लो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है, दो, दो के बारे में, दो के बारे में देखना, दो, दो भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य, दो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यह जरूर नोट में लिख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। दो सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है, और यह हमारी क्या है, सम संख्या भी है, सम संख्या भी है, यह हमारी क्या है, सम संख्या भी है। तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, सम अभाज्य संख्या, यह हमारी ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये क्या कर लेना, नोट करके लिख लेना, नोट करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया से नोट्स तैयार करना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है चलो अगला देख लेते हैं, अगला, अगला हमारे पास क्या है, एकदम बस इतना इतना आपको नोट करना है, ज्यादा महाभारत नहीं नोट करनी है, क्यों, क्योंकि ज्यादा महाभारत आती भी नहीं है, ठीक है। चलो आओ अगला देख लेते हैं, अगला, अगला हमारे पास क्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या होती है, सह अभाज्य, सह अभाज्य। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं, कॉमन, कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड ना हो, ना हो, यानी 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 क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ, अगर किन्हीं दो संख्याओं का एच सी एफ अगर एक होता है, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं, एकदम से सह अभाज्य संख्या। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, नौ और सोलह को देखो, नौ और सोलह, नौ के गुणनखंड करो, तीन गुणे तीन, इसमें करो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, ठीक है, इतने होते हैं। इनमें कोई कॉमन है, देखो इधर पूरे पूरे दो हैं, इधर पूरे पूरे तीन हैं, सिर्फ कॉमन क्या है, इसमें भी हम एक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी एक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सिर्फ कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ सिर्फ वन कॉमन है। और अगर ऐसा कोई तुम्हें जोड़ा मिल जाए, ऐसा कोई तुम्हें जोड़ा मिल जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सह अभाज्य हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो एक और पेयर लिख लो, चार और पंद्रह, चार और पंद्रह, ये भी हमारे पास कैसे पेयर है, सह अभाज्य संख्या का, को प्राइम नंबर का। और हाँ इसमें, इसमें याद रख लेना, प्राइम भले लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, भले क्या लिखा है, को प्राइम नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इतनी, फिर आगे बताएं। चलो अगला क्या है हमारे पास, ट्विन प्राइम, अगला क्या है, यह भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसको। चलो ट्विन प्राइम, हेडिंग डालो क्या, अगली हेडिंग डाल लो, ट्विन प्राइम, बना लो हेडिंग ट्विन प्राइम, ठीक है, बढ़िया से पढ़ते जाना, कोई यहां
एकदम टाइम पास नहीं करेगा, एकदम से पढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो बना लो ट्विन प्राइम। क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम, टी डब्ल्यू आई एन ट्विन पी आर आई एम ई, ट्विन प्राइम। ठीक है, चलो ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, तीन और पांच, इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? दो है। अगर दो प्राइम नंबर्स के बीच का अंतर कितना हो? दो हो, तो वो ऐसे जोड़े हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे पांच और सात, इनके बीच का अंतर बताओ, इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? दो है। इनके बीच का अंतर भी दो है, और इसमें याद रख लेना, ट्विन प्राइम में दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम नंबर भी होने चाहिए, और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो ट्विन प्राइम को। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला भी देख लो एकदम बढ़िया तरीके से, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर, छोटी छोटी नोट्स बनानी है जिससे जल्दी रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ट्विन प्राइम के बाद देखो, ट्विन प्राइम के बाद परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, इसकी पहली कंडीशन लिख लो, परिमेय संख्या की कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की क्या होती है? कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन लिख लो इसमें, जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी इंग्लिश मीडियम वालों, कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम P अपॉन Q में क्या कर पाए, लिख पाए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है? Q does not is equal to zero, यानी Q बराबर क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन तीनों कंडीशंस को क्या करता है? फॉलो करता है, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कुछ उदाहरण भी लिख देते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल देखो, 4/5। ठीक है ना, पी अपॉन क्यू में लिख दिया, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया क्यू, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, पी क्यू पूर्णांक हो, ये भी पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। Q does not is equal to zero. Q बराबर हमारे पास क्या है? 5 है। ये हमारा 4/5 क्या कर रहा है? तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास कैसा है? रैशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, सब लोग नोट कर लो। चलो कुछ और एग्जांपल लिख लो, 5/6। ठीक है ना, 3/4, कुछ भी लिख लो, सारे क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाना। क्यों नोट्स बना लेना? क्योंकि जब रिवीजन करो तो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, रिवीजन भी तुम्हारा कंप्लीट हो। इसी तरह से जल्दी जल्दी रिवीजन, पटवारी के लिए इतना टाइम नहीं देना है मैथ्स में, और बढ़िया से मैथ्स जल्दी समझ में भी आती है, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे समझ में आती जाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जा सकता। पहली हमारी अपरिमेय संख्या क्या है? पाई।
पहली हमारी परिमेय संख्या क्या है, एग्जाम्पल देखे तो पाई, लेकिन अब आप बोलोगे सर सर पाई को तो आप लिख देते हो क्या 22/7 अपॉन क्यू में लिख दिया, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, 22/7 हम इसका क्या मानते हैं, अप्रॉक्स मान, अनुमान लगाते हैं, क्या लगाते हैं अनुमान, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का मान अगर लिखने पे आओ तो पूरी बुक भर जाएगी, ठीक है, 1000 पन्नों की बुक में पाई का मान लिखा है, तो पाई का मान ऐसे क्या होता है 3.14, थोड़ी और आगे लिख देता हूँ 15/65 और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, पूरी एक बुक लिखी गई है इसके, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एक्चुअल पाई का मान, और इसे हम क्या करते हैं पी अपॉन क्यू में नहीं दर्शा सकते, ठीक है। चलो एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा एक एग्जाम्पल लिख लेना इसी तरह का। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अंडर रूट टू। इसको भी हम किसमें पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये भी बहुत बार क्या होता है, रिपीट होता जाता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है 1.414 2135, और ये भी ऐसे क्या होता है, चलता जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। चलो जितना लोग इसको लिख रहे हैं, चलो नोट कर लो, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे लिखा देते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आप कुछ नोट लिख लेते हैं, नोट अपने पास क्या है, कुछ थोड़ा सा नोट भी लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं, आ जाओ एकदम से पढ़ाई तगड़ी रखना, इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, अब भाई मत पढ़ते रहना इधर उधर से कठिन, ठीक है। चलो आप कुछ नोट लिख लेते हैं दो के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट दो के बारे में, दो हमारा क्या है, सम है, और ये हमारा क्या है, इसके साथ साथ सम होने के साथ साथ क्या है, ये सम होने के साथ साथ ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य भी है, इसके बारे में एक बार देख लो, दो हमारा क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जो हमारा सम भी है और प्राइम नंबर भी है, जो हमारा सम भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है, ठीक है। जब भी कभी दूसरा पॉइंट लिखो, जब भी कभी किसी चीज को जीरो से भाग दोगे, जीरो से भाग दोगे तो उसका क्या मतलब होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, वो परिभाषित ही नहीं है, जीरो से भाग देना क्या है, अपरिभाषित, यानी क्या कह सकते हो, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जब भी जीरो अपॉन ए, ठीक है, अगर ये लिखोगे ये अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई, जब भी जीरो से किसी का गुणा किया जाए, ठीक है ना, जीरो से किसी का गुणा किया जाए या जीरो से किसी का भाग दिया जाए, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमेशा ये दो तीन बातें याद रखना, जो कि नंबर सिस्टम में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जा सकती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्राइम नंबर, अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, प्राइम नंबर पढ़ाया। चलो अब प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, अगर सम में बात करूं, सबसे छोटा सम जो कि एक होता है वो क्या होता है, दो होता है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर सम में क्या होता है, दो होता है, ठीक है। चलो इसके बाद ऐसे तीन हमारे पास प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर लिख लेना, 3, 5 और 7, ये तीनों एक एक के, ये तीनों दो दो के डिफरेंस पे आते हैं, ये तीनों किसके डिफरेंस पे आते हैं, दो दो के डिफरेंस पे, यही एक पेयर है जो दो दो के डिफरेंस पे हमारा आता है, 3, 5, 7, और ये लगातार जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका हमें यूज किया जाता है, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है। अगर और इसमें क्या क्वेश्चन बना सकता है, चलो बस ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना सकता है प्राइम नंबर का, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3, 5, 7 ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, चलो इतना काफी है प्राइम नंबर का, और कुछ है क्या, चलो इतना नोट कर लिया। चलो लगभग नंबर सिस्टम के बारे में पूरी बात हो चुकी है, ठीक है।
अगर आप लोगों को लगता है कि नंबर सिस्टम में कुछ छूटा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, उसको अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट ये क्वेश्चन याद रखना, तो क्या है, सम भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अब लगातार क्लासेस आएंगी और जल्दी जल्दी सिलेबस को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ एमपी पटवारी आपकी बारी, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।